दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार्क 8C मोबाइल को डिसेंबल किस तरह करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल दें। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक ढक्कन खोल दें। बैक ढक्कन खोलते वक्त फिंगर प्रिंट सेंसर के साथ एहतियात करें, क्योंकि ये बैक कवर के साथ चिपका होता है तो आप ज़्यादा खींचने से इसका रिबन भी कट सकता है। तो उसको उंगली से दबा के इसका बैक कवर हटा दें। इसके बाद इसके सारे पेज खोलने हैं, ऊपर और नीचे दोनों हिस्से के पेज खोलने हैं। पेज खोलने के बाद इसका ये कवर हटा दें। दोस्तों, अब ऊपर हिस्से वाले जितने भी पेज हैं वो सारे पेज खोल लें, इसमें एक भी पेज बाकी ना रहे। अगर एक भी पेज बाकी रहा और आप बैक कवर को खोलने की कोशिश करोगे तो उससे ये टूट भी सकता है। इसके बाद सबसे पहले बैटरी को डिसकनेक्ट कर दें। बैटरी डिसकनेक्ट करने के बाद ये डिस्प्ले जैक निकाल दे, और इस पर अक्सर मेन बोर्ड पर भी पेच लगे होते हैं तो वो पेच भी खोल ले। इसके मेन बोर्ड पर भी पेच लगे हुए हैं तो उसको पेच भी खोल ले। पेच खोलने के बाद इसका जो मेन बोर्ड है वो मोबाइल के पैनल से निकाल ले। और उसके बाद ये एंटीना का जो वायर है ये निकाल ले। और इसकी बैटरी को निकाल ले। उसके बाद ये नीचे सब बोर्ड जो है वो निकाल ले। इसमें चार्जिंग फ्लैश का जो जैक है वो लगा होता है, और एंटीना केबल का दूसरा सिरा इसमें लगा होता है, और इसमें भी अक्सर पेच लगा होता है तो वो पेच खोल के इसको मोबाइल के पैनल से निकाल ले। इसका वाइब्रेटर जो है ये थोड़ा सा सख्त लगा होता है, इसके नीचे डबल टेप लगा होता है, तो इसको चिमटी से निकाल ले। तो दोस्तों, हमारा मोबाइल डिसअसेंबल हो गया है। ये इसके सारे पार्ट्स है, बैटरी, बोर्ड, कैमरे वगैरह और बैक कवर। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।